कौन सा आप प्रोफेशनली बना लिए? ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर दैट इज द न्यूक्लियर. सो न्यूक्लियर अदरवाइज इज अ वेरी वास्ट चैप्टर, ठीक है. बट ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन लॉट्स ऑफ टॉपिक्स हैव डिटेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियर नाउ, ठीक है. न्यूक्लियर नाउ, ठीक है. सो न्यूक्लियर में अभी हमारे पास जो टॉपिक्स बचे हैं, सबसे पहले जो टॉपिक है हमें जो करना है दैट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियर, विच इज अ लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. That is a composition of nuclei. ठीक है, got it? Then we have to do that atomic mass of nuclei. Atomic mass of nuclei. ठीक है, and then we have to do the topic that is the size of nucleus. They are very small topics. ये दोनों बहुत छोटे topics हैं. Nuclear force. न्यूक्लियर फोर्स, मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन. चैप्टर विल बी ओवर नाउ. दीज ऑल टॉपिक्स आर वेरी वेरी स्मॉल, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग कितना जल्दी समझते हैं चीजों को. ठीक है, गॉट इट? ये चैप्टर्स तीनों चार टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे से, अब डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना जल्दी इन लोगों को समझेंगे. अब कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है. सबसे पहले टॉपिक है मेरा कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियर. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब चैप्टर भी खत्म किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हमने एक लॉ पढ़ा था दैट इज अ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है. रदरफोर्ड मॉडल में हम लोगों ने स्कैटरिंग गोल्ड अल्फा स्कैटरिंग किया था, गोल्ड के ऊपर हमने अल्फा रे स्कैटर करवाई थी. एंड व्हाट वी हैव ऑब्जर्व इन दैट, हमने क्या देखा था कि जब गोल्ड फॉइल में से अल्फा रेज मूव करके जा रही हैं तो लॉट्स ऑफ अल्फा रेज आर मूविंग विदाउट स्कैटरिंग. कुछ अल्फा रेज लार्ज एंगल पे स्कैटर की, कुछ क्या की स्मॉल एंगल पे स्कैटर की, ठीक है. जिसे न्यूक्लियस ने क्या कंफर्म किया कि एट द सेंटर ऑफ एन एटम देयर इज एन न्यूक्लियस, एट द सेंटर ऑफ एन एटम देयर इज एन न्यूक्लियस. एंड वो जो न्यूक्लियस है सेंटर में हमारे पास, उसके बारे में हमें डिस्कवरी करनी है. वी हैव टू डिस्कवर अबाउट दैट. हमें उस न्यूक्लियस के बारे में लॉट्स ऑफ डिस्कवरीज करनी है. अभी बहुत सारी डिस्कवरीज बाकी हैं, थोड़ी बातें हमने पता की हैं, पर बहुत सारी बातें अभी भी हमें कंफर्मेशन के लिए बाकी हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी कंफर्मेशन के लिए बाकी हैं. हम येट द डिस्कवरीज आर गोइंग ऑन दैट, ठीक है. सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ठीक है. न्यूक्लियस किस चीज का बना है, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास सबसे बहुत सारे हाइपोथीसिस आए. हाइपोथीसिस होती हैं जो बातें हम लोग बोल देते हैं, ठीक है. बातें हम लोग बोल देते हैं पर उनको हम लोग मतलब अप्रूव नहीं करते हैं. पहले जमाने में हम लोग कभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं बोलते थे. जब भी कोई लॉ आता था सो वी नेवर सेड दैट कि दिस थिंग्स आर एक्सपेरिमेंट, ठीक है. हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं करते थे. हमारे साइंटिस्ट भी नहीं होते थे, हमारे फिलोसफर्स होते थे. और वो फिलोसफर्स क्या करते थे, अपने लॉजिक्स के आधार पे, अपनी ऑब्जर्वेशंस के आधार पे हमें जो थ्योरीज देते थे ना, उन थ्योरीज को हम हाइपोथेसिस थ्योरीज बोलते थे, ठीक है. क्योंकि वो थ्योरीज कभी कभी गलत होती थी, तो वो उनकी इमेजिनेशन के ऊपर होती थी. कोई रियल फैक्ट्स लॉजिक्स के ऊपर नहीं होती थी, उनकी इमेजिनेशन के ऊपर होती थी, ठीक है. सो ऐसे ही हमारे पास दो मेन थ्योरी हैं ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर. दो मेन थ्योरी हैं हमारे पास. पहली थ्योरी जो है हमारी न्यूक्लाई के ऊपर, ठीक है, उसमें बहुत सारे हाइपोथेसिस थे, वो थ्योरी गलत होगी. जो दूसरी थ्योरी थी दैट वॉज द करेक्ट थ्योरी, ठीक है. क्योंकि पहली थ्योरी में हमने ये बात रख दी थी कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, विच इज द टोटली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. डी ब्रॉगिल और हाइजनबर्ग ने तो इस बात को माना ही नहीं था, ठीक है. हम न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन कैसे पढ़ रहे थे, हम आपको पता है सबसे पहले हमने जब न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन पढ़ने लगे, आपको पता है क्योंकि कभी भी किसी चीज का एटम का न्यूक्लियस टूटता नहीं है. जब तक न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तो उसकी स्टडीज कैसे होंगी. इलेक्ट्रॉन इतना मशहूर क्यों है, वाई द इलेक्ट्रॉन इज सो मशहूर, ठीक है, वाई इज सो फेमस, क्योंकि उसके अंदर से रेडिएशन निकल रही है. उसके अंदर से जो निकल रहा है हम उसे स्टडीज कर रहे हैं और वी कैन गिव इट्स प्रॉपर्टीज. अब एक इंसान अगर आइसोलेट होकर बैठ जाए, अपने बारे में कुछ बोले ना, बताए ना, तो उसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा. जो इंसान थोड़ा सा फ्रैंक है, बातें कर रहा है, अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उसी के बारे में पता लगता है ना आप लोगों को, ठीक है. वैसे ही हमें भी न्यूक्लियस के बारे में जानना था, पर मेन प्रॉब्लम ये था कि न्यूक्लियस के बारे में जाने कैसे, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस इज वेरी आइसोलेटेड फॉर्म. बट देन हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आए जिनका न्यूक्लियस ब्रेक होता है,
जिनका न्यूक्लियस ब्रेक होता है, और जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ब्रेक होता है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा बीटा और गामा रेज निकलती हैं। तो उन अल्फा बीटा गामा रेज की स्टडी से हमने क्या किया, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पता किया। ठीक है, सो जो पहली हाइपोथेसिस थी, आपको इतना ही जरूरी पढ़ना नहीं है इसके बारे में, बट मैंने क्योंकि टॉपिक लिख दिया गया है सो आई हैव जस्ट, मैंने भी लिख दिया अपने नोट्स में। ठीक है, पहली हाइपोथेसिस को हम प्रोटोन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस बोलते हैं और दूसरी हाइपोथेसिस को हम प्रोटोन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो पहली हाइपोथेसिस में नाम ही उसका प्रोटोन इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या मान के चलते थे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सो जो पहली हाइपोथेसिस थी, ठीक है, वो हमारे पास 1930 में आई थी। ठीक है, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल्स। हमें न्यूक्लियस के अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, हमें कैसे पता लगा था, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की एमिशन के थ्रू। और वहां पे भी हमने अल्फा पार्टिकल जो एमिट हो रहे हैं और जो बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं उनके उनमें जो उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में रॉन्ग एज्यूम कर लिया था। ठीक है, जो हमारी ये प्रोटोन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग आपके पास अगर एक न्यूक्लियस है, हम तो बस ट्रू कोई भी एटम है तो उसका मास नंबर किसे डिनोट करते हैं, ए से, और उसका एटॉमिक नंबर किसे डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास पहली हाइपोथेसिस थी प्रोटोन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग दिस इज वेरी ट्रू, किसी भी एटम का अगर आपको मास डिनोट करना है तो यू हैव टू डिनोट फ्रॉम ए, तो ए इज द मास नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है, एंड जेड इज इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, ठीक है, अगर एक एटम है तो उसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्या है उसके अंदर, जितना उसका मास नंबर है उतने प्रोटॉन्स है, और उसके अंदर ए माइनस जेड क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, ए, जितना उसका मास नंबर है, और कितने इलेक्ट्रॉन है, ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन्स है। पर एक एटम क्या होता है, एटम इज अ न्यूट्रल। ठीक है, तो उसने बोला, इस हाइपोथेसिस ने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के आसपास भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आसपास, जेड। ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि उसे एटम को न्यूट्रल बताना था, मतलब जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन शो करने थे, तो उसने ये शो किया कि न्यूक्लियस के अंदर ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन है और प्लस जेड इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कट करेगा तो कितने आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ए, तो ए इलेक्ट्रॉन और ए ही प्रोटोन, जिससे एलिमेंट क्या हो गया मेरा, एटम क्या हो गया मेरा, न्यूट्रल हो गया। बट दैट वॉज अ कंप्लीटली रॉन्ग, हाइजनबर्ग ने और डी ब्रॉगली ने इस इक्वेशन को गलत बोला। टू रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है, इसके पीछे दो रीजन थे गलत बोलने के इसको। दिस हाइपोथेसिस कुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज, इसके रीजन क्या था, सबसे पहले तो हमारे पास, हम लोग कभी भी वेव मैकेनिक्स माना जो वेव ऑप्टिक्स है, हमारे जो वेव मैकेनिक्स है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव नेचर भी मानते हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को कभी भी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं मान सकते, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन के अंदर रहना है तो कम से कम उसके पास जो एनर्जी है वो 200 to 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट के बीच में होनी चाहिए। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट करना है तो उसका एनर्जी 200 to 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंटली जब हमने इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकाला तो वो कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, और दूसरी वैल्यू जो थी कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है न्यूक्लियाई का वो बहुत कम होता है और इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में नहीं रह सकता। ठीक है, और एक और गलती हुई थी, जब ये थ्योरी रखी थी प्रोटोन इलेक्ट्रॉन की,
तो ये माना गया था। वैसे आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, इसका 4 मास होता है, इसका मास क्या होता है 4, और इस पे चार्ज कितना होता है 2। अकॉर्डिंग टू इसमें क्या होते हैं, 2 प्रोटोन 2 इलेक्ट्रॉन। पर ये थ्योरी क्या बोलती थी कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है उसमें 4 प्रोटोन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से भी गलत हो गया था वो, ठीक है। और इसमें इसने बीटा एमिशन के बारे में बिल्कुल सही बोला था कि बीटा एमिशन के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बीटा एमिशन हमेशा इलेक्ट्रॉन से बनती है, अल्फा इलेक्ट्रॉन जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो हमेशा किससे बनते हैं, प्रोटोन से बनते हैं, ठीक है। पर प्रोटोन कितने हैं वो मात्रा गलत बताई थी, अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटोन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इस थ्योरी के अंदर अल्फा पार्टिकल के अंदर 4 प्रोटोन और 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये थ्योरी पूरी की पूरी ही गलत हो गई थी। देन द नेक्स्ट थ्योरी कम विच इज द थ्योरी ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। ये थ्योरी सही थी क्योंकि इस थ्योरी में क्या बताया था हमें कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटोन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन सॉरी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सो द नेक्स्ट थ्योरी विच वॉज अ करेक्ट थ्योरी दैट वॉज अ प्रोटोन न्यूट्रॉन, दैट वॉज अ प्रोटोन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। ये थ्योरी हाइजेनबर्ग ने रखी थी, किसकी थ्योरी के बाद, जब चैडविक आए थे। चैडविक कौन से सन में आए थे, आई एम नॉट एग्जैक्टली, 1932 में। ये जो हमने जो पहली थ्योरी पढ़ी है 1930 में थी, 2 साल के बाद चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। उसकी चैडविक की जो चैडविक ने जब बताया था कि एक हमारे पास एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जो है न्यूट्रॉन, तो जब चैडविक ने न्यूट्रॉन के इन्वेंशन किया उसके बाद हाइजेनबर्ग अपनी थ्योरी लेके आए। तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि एक कोई भी एक एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न्यूक्लियस उस क्या रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अगर आपके पास एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर उसने बोला जेड, जेड क्या होता है हमारे पास, हमारे पास एक एटम का एटॉमिक नंबर। आप लोगों को पता है अगर एक एटम का एटॉमिक नंबर 11 है, जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसे जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसका 11 इसका एटॉमिक नंबर है तो 11 ही प्रोटोन होंगे उसके अंदर और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। और इसका मास कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 नीचे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मास होता है 23। इसके मास को रिप्रेजेंट करते हैं ए से और एटॉमिक नंबर को जेड से। अगर आप लोगों को किसी भी न्यूक्लियस का एटम निकालना है, किसी भी न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स निकालने हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, और उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं, उसके मास में मास नंबर में से उसके एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का आपके पास मास कितना है 23 और उसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, 23 माइनस 11 तो उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे 12, ठीक है। कितने न्यूट्रॉन होंगे उसके अंदर 12, तो आपको क्या करना है, उसके मास क्या है 23, ए में से आपको जेड को माइनस करना है, 23 में से आपको जेड को माइनस करना है, विच इज 11 इन द केस ऑफ सोडियम। तो उसके पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे 12 इन केस ऑफ सोडियम। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं कैसे पता लगेगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो दिस इज योर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हमें हाइजेनबर्ग ने बताया द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटोन कितने होते हैं उसमें जेड, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं उसमें ए माइनस जेड। और प्रोटोन और न्यूट्रॉन जब मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं कलेक्टिवली उनको हम, न्यूक्लियॉन्स। सो व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ
न्यूक्लियस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस. तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स. और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं. एंड इस थ्योरी ने हमें बिल्कुल सही बताया था कि अल्फा पार्टिकल्स के अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं, दो न्यूट्रॉन्स होते हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और बीटा पार्टिकल के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, बीटा पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक हमारे पास सब्सटेंस होता है पॉजिट्रॉन. ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली बीटा जब पॉजिटिव होता है तो उसके अंदर पॉजिट्रॉन होता है, अगर बीटा नेगेटिव एमिट हो रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है. पॉजिट्रॉन इज द पॉजिट्रॉन बेसिकली एंटी इलेक्ट्रॉन, इसे हम होल बोलते हो ना, कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकल जाता है वहां पे होल होता है, होल हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज. वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एक एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा एंटी इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन. तो अगर बीटा पॉजिटिव नेचर का है तो उसके अंदर पॉजिट्रॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज. अगर बीटा नेगेटिव नेचर का है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. इसके ऊपर दिमाग में रखना, दैट विल नॉट कम इन योर सिलेबस, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर. तो हमें पढ़ाना था तो मैंने आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन दे दिया. मैं नोट्स बना रही है आज के, क्योंकि इसी चैप्टर के नोट्स रह गए हैं, तो मैंने कॉम्पोजिशन के बारे में लिख दिया. सब छोटे छोटे दो तीन टॉपिक रह गए हैं, तो मैं लिख के तुम्हें कल या परसों हैंड ओवर कर दूंगी इसके नोट्स. ठीक है, नेक्स्ट हम मेन टॉपिक शुरू करने से पहले, साइज ऑफ न्यूक्लियस शुरू करने से पहले, मैं फिर से छोटी छोटी बातें में बता देती हूँ. न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस. एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से. ठीक है, गॉट माई पॉइंट, समझ आ गया. ओके, अब स्टूडेंट्स हम एटॉमिक मास को मेजर कैसे करते हैं. अगर मुझे अनियन लेने जाना है, मुझे ऑरेंज लेने जाना है, मुझे बनाना लेने जाना है, सो मैं किस कैसे जाऊंगी, मुझे अनियन, मुझे कुछ भी लेने जाना है, हैव टू बाय समथिंग. ठीक है, तो हम लोग किस में मेजर करते हैं मास को, केजीज में. बट हम लोग किसी भी एटम के मास को किस में मेजर करते हैं, एएमयू में. किस में मेजर करते हैं, एएमयू में. दैट इज द एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज द एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी, हमें किसी भी मास का, किसी भी एटम का मास मेजर करना है तो हम इसे एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं. इसे हम लोग स्मॉल एएमयू बोलते हैं, विच इज एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, दैट इज योर एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट. आज के डेट में हम इसे यू भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ यू ऑल्सो, विच इज अ यूनिफाइड मास. ठीक है, पर एक एएमयू कितने केजीज के इक्वल होता है या कितने ग्राम के इक्वल होता है, दैट शुड बी अ क्वेश्चन मार्क फॉर अस. मैंने वह बोलूंगी मेरे पास 23 यू या 23 एएमयू मेरे पास सोडियम है, तो हमें पता लगेगा आम जिंदगी में मेरे पास कितना सोडियम है. ठीक है, नहीं पता लगेगा. हम लोग अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहे हैं तो हम यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं. चलो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहे हैं तो हम अगर यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आम लोग तो कभी करेंगे नहीं, वो सब साइंटिस्ट वगैरह होंगे, उन्हें तो पता होता है कितना यूनिफाइड मास है. बट अगर आम, अगर चलो हम लोगों को न्यूज़ में आ रहा हो कि भाई इतना रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया गया, वैसे तो कभी भी मास नहीं बताते हैं, हमेशा ये बताते हैं कि 239 यूरेनियम यूज़ किया गया है. ये 239 क्या होता है, उसका एटॉमिक क्या होता है, उसका मॉलिकुलर मास होता है उसका. ठीक है, ऐसा भी देखते ना, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और उसका मास 238, दो यूरेनियम होते हैं, 234. ठीक है, 238 वाला क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है. क्या होता है, 238 वाला रेडियो एक्टिव होता है, जो हम लोग बॉम्ब बनाने के इस्तेमाल में लेके आते हैं. ठीक है, सो अगर हमें किसी भी एटम का मास निकालना है, सो वी आर मेजरिंग इन एएमयू. और एएमयू का जो डेफिनेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे पास वन एटॉमिक मास is defined as the 1/12 the mass of an carbon 12. 1/12 of an mass of an atom of a carbon 12. अब देखो इसने, अब ध्यान से देखना, यहां से हम लोग AMU को KG से define करेंगे. So इसने question में बोला, हमें इसकी definition में बोला that 1 AMU is defined as the 1/12
1/12 द मास ऑफ एना कार्बन 12 एटम। मतलब अगर आपको एक एएमयू निकालना है, अगर आपको पता करना है कि एक एएमयू कितना है, जैसे मुझे पता है कि अगर एक डजन है तो उसमें 12 केले आएंगे, एक डजन चुनिया लेने जा रहे तो मुझे 12 चुनिया मिलेंगी, आई नो द क्वांटिटी। वैसे एक एएमयू अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है तो उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, तो कितनी क्वांटिटी है इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करो, कार्बन 12, मतलब कौन सा कार्बन, दो तरह के कार्बन होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, कार्बन 12 का एक एटम के मास को, कार्बन 12 के एक एटम के मास को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/12 से। कार्बन एटम कौन सा कार्बन एटम कार्बन 12, उसके एक एटम के मास को आपको 1/12 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, ठीक है। अब मैं यहां पे लगाऊंगी एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। अब मुझे पता है अगर मेरे पास कार्बन के 6.023 × 10⁻²³ एटम्स होंगे कार्बन के, कार्बन 12 के, तो उनका मास कितने इक्वल होगा, 12 ग्राम के इक्वल होगा। रिमेंबर 1 मोल इज इक्वल टू द मॉलिकुलर मास एंड मॉलिकुलर मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर ऑफ एन एटम। 12 ग्राम क्या है, कार्बन का मॉलिकुलर मास, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और उसका मॉलिकुलर मास क्या होता है 12। दो तरह के कार्बन होते हैं, ठीक है। एक जो कार्बन होता है उसका मास 12 होता है और एक कार्बन होता है उसका मास 14 होता है, ठीक है। जो कार्बन 14 होता है वो रेडियो एक्टिव डेटिंग के काम आता है, मतलब कोई जैसे कोई आपके पास, आपको पता होगा, आपको बोला जाता है कि यार हम आप शिमला जाओ, वहाँ पे हडिम्बा का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे जो पेड़ है वो 100-100 साल पुराने हैं, ठीक है। आप कभी कहीं बहुत एंशियंट जगह पर जाओ तो बोलेंगे पहाड़ इतने साल पुराना है, यहाँ पे कैसे पता लगता है 300 साल पुरानी चीज, 400 साल पुरानी चीज। हम लोग उसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन चेक करते हैं, क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ कार्बन चेक करते हैं, जितना कार्बन कंज्यूम हो गया और कितना कार्बन बच गया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, उसकी एज निकालते हैं। आजकल एक नया प्रोसेस आया है, क्या प्रोसेस आया है वो नया, कि अब आप लोगों की बॉडी की एज मेजर होती है। आप चलो यू आर 17-18 पर आपकी वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी की एज मेजर करते हैं कि आपकी बॉडी की मशीनरी कितने साल की हो गई है, क्योंकि कुछ लोग बहुत काम करते हैं तो अपनी बॉडी से एक्सेस वर्क लेते हैं, तो उनकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं, उनकी बॉडी की जो मशीनरी होती है, वो एज से पहले क्या होती है, वीक होनी शुरू हो जाती है। तो उनको बोला जाता है कि भाई ऑल्दो यू आर 28 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ऑल्दो यू आर 32 ईयर्स ओल्ड, बट तुम्हारी जो बॉडी है ना, उसकी जो मशीनरी है ना, उसकी एज 40 ईयर्स इतनी हो गई है। मतलब एक ह्यूमन बींग जो एवरेजली 40 साल में काम ले रहा है अपनी बॉडी से, तुमने 32 ईयर्स में ले लिया है। अब कई जब हम लोग ही हैं, मतलब हम लोग बहुत फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, तो हमारा अब तुम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज लाइक एन मशीनरी, ठीक है। तुम उसमें कूड़ा फेंक के जाओगे, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। आजकल वो कितने सारे, मतलब पीपल, लॉट्स ऑफ सेंट हैज कम, लॉट्स ऑफ आयुर्वेदिक रोटीज हैज कम, क्यों आए हैं, क्योंकि लोग इतना फास्ट फूड खा रहे हैं, इतना कुछ खा रहे हैं, तो मशीनरी को, हमारी जो डाइजेस्टिंग मशीनरी है, उसको रुकने का मौका ही नहीं मिल रहा, वो काम करती जा रही है। जब वो कंटिन्यूसली काम करेगी तो वो क्या खराब होगी, ठीक है। जैसे आप लोग एसी लगाते हो घर में, आप लोग घर में मशीन लगाते हो, आप लोग टीवी लेते हो घर पे, आप लोग बाइक्स लेते हो, आप अननेसेसरी पे घूमते रहते हो, टीवी चलता रहता है, एसी चलता रहता है, तो फिर वो क्या होता है, उसकी मशीनरी जल्दी खराब हो जाती है। तो वैसे ही क्योंकि आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो भी, उनके अंदर भी लॉट्स ऑफ कार्बन है, तो अब वो लोग क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कार्बन का कंटेंट चेक करते हैं, कितना कार्बन यूज होना चाहिए था इस एज में और कितना यूज हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी बॉडी की एज बताते हैं। तो हम लोग वो कार्बन 40 नहीं, हम कौन सा आइसोटोप यूज कर रहे हैं, कार्बन 12। तो एक कार्बन एटम का कितना मास है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ कि अगर आपके पास 6.023 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ एन कार्बन होंगे तो उसका कितना मास होगा, 12। आपको किसका मास निकालना है, 1 एटम ऑफ कार्बन का, तो वो कितना होगा, 12 upon 6.023 × 10⁻²³ आ गया, एक कार्बन एटम का मास आ गया। तो 1 AMU डिफाइन करना है आपको, यू हैव टू डिफाइन 1 AMU, तो 1 AMU कितना होगा,
1 by 12 into 12, वन कार्बन एटम का मास कितना है, वन कार्बन एटम का मास कितना हुआ 12 upon 6.023 इंटू 10 raised to power 23। आप इसे डिवाइड करोगे सो आपके पास जो आंसर आएगा ग्राम्स में वो कितना आएगा 1.66, कितना आएगा 1.66 इंटू 10 raised to power माइनस 24 ग्राम्स। 1.66 इंटू 10 raised to power -24 ग्राम्स। ठीक है, अब इसे केजीस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 1000 से क्या करोगे आप उसे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो कितना बनेगा ये 1.66 इंटू 10 raised to power -27 केजी। तो 1 AMU का कितना मास होता है 1.66 इंटू 10 raised to power -27 केजी। Got my point? तो यहां से हमें एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है AMU, जिसे हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। एंड 1 AMU इज इक्वल टू द 1.66 इंटू 10 raised to power -27 केजी। तो ये हो गया हमारे पास AMU की बात। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, हमारे पास न्यूक्लियस का साइज कितना हो गया। ठीक है, सो न्यूक्लियस के साइज के ऊपर भी, ठीक है, वैसे तो न्यूक्लियस का साइज होता है 10 raised to power -15 फर्मी, किसी का भी न्यूक्लियस हो। ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड जो उसका एक साइज है दैट इज 10 raised to power -15 फर्मी, बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन का स्टैंडर्ड साइज होता है 10 raised to power -10, न्यूक्लियस का स्टैंडर्ड साइज होता है 10 raised to power -15। तो नेचुरली न्यूक्लियस का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन का साइज बड़ा है, वैसे भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फिट नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो तो चलो हमें पता लग ही गया था ना, जो पहली थ्योरी थी कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता न्यूक्लियस के अंदर। तो सेकंड चीज मैंने तुम्हें अभी ये बता दी कि इलेक्ट्रॉन का साइज जो होता है वो न्यूक्लियस के साइज से बड़ा होता है। न्यूक्लियस का जो साइज होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली 10 raised to power -15 फर्मी। ठीक है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली 10 raised to power -15 मीटर। तो 10 raised to power -15 क्या होता है, फर्मी, दैट इज 10 raised to power -15 इज फर्मी। ठीक है, और साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10 raised to power -10 अप्रोक्सीमेटली। तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा है, और न्यूक्लियस का छोटा है तो उसमें फिट ही नहीं आ सकता। पर हमने न्यूक्लियर का साइज निकाला कैसे, न्यूक्लियर का साइज हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला। ठीक है, न्यूक्लियस को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ स्फेयर। ठीक है, न्यूक्लियस को हम लोग एज अ स्फेयर कंसीडर करते हैं। किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे, 4/3 πr³। हमें उसका रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस पता होगा यहाँ डालेंगे वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, सो हमारे पास वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए हमें उसका रेडियस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमें उसका रेडियस। एंड अगेन इट इज अ एक्सपेरिमेंटल प्रूवन थिंग, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/3 ऑफ इट्स मास नंबर। रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द 1/3 ऑफ इट्स मास नंबर। मतलब जैसे जैसे एक न्यूक्लियस का मास नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका रेडियस भी बढ़ता जाता है, पर कितना, 1/3 टाइम्स। ठीक है, जैसे मतलब अगर तुमने मास 9 गुना बढ़ाया तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना बढ़ेगा, सिर्फ 3 गुना, 1/3। ठीक है, मतलब अगर रेशो चल रही है 1:3, अगर एक चीज 3 टाइम बढ़ रही है तो एक चीज 1 टाइम भी बढ़ेगा। तो अगर रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/3 ऑफ द मास नंबर, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम लोग और हम एक कॉन्स्टेंट डाल देते हैं, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज योर आर नॉट। और इस कॉन्स्टेंट का एक फिक्स्ड वैल्यू है विच इज इक्वल्स टू 1.2
इंटू 10^-15 मीटर। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो उसको 1.2 फर्मी मीटर। ठीक है, सो अगेन रिपीटिंग, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। एक क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर डेंसिटी का, बस यही एक न्यूमेरिकल बनता है इस टॉपिक में। अब कोई न्यूमेरिकल वाला टॉपिक ही नहीं रहेगा, मैं क्या करूँ। ठीक है, पहले तो बाइंडिंग एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, पर खदों ने हटा दिया, मुझे समझ नहीं आया क्यों हटाया खदों ने, पर दे हैव रिमूव द टॉपिक। ठीक है, सो अभी हमें क्या एक ही कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ पे। इट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूवन दैट द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, 1/3 ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। एटॉमिक मास ऑफ है ना न्यूक्लियस, कुछ भी बोल लो। ठीक है, एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, हम डालेंगे आर नॉट जो एक कॉन्स्टेंट है जिसकी फिक्स वैल्यू विच इज 1.2 इंटू 10^-15 मीटर। तो 10^-15 है, तो हम इसको यहाँ पे डालेंगे फर्मी मीटर। ठीक है, वॉट माई पॉइंट अंडरस्टैंड। ठीक है, अब ना स्टूडेंट्स एक चीज आती है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, और एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर, दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन नेचर, दिस वी आर रिज्यूमिंग। अगर कोई भी चीज स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³। रेडियस निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए अपॉन ए इंटू 1/3। दैट मीन्स रेडियस डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर, दैट मीन्स द रेडियस डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर। गॉट माई पॉइंट, रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस इज डिपेंडिंग अपॉन द मास। ठीक है, तो अब दैट मीन्स द वॉल्यूम डिपेंडिंग अपॉन द मास, वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द रेडियस, रेडियस डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर। तो न्यूक्लियर डेंसिटी भी तो मास नंबर पे डिपेंड करनी चाहिए ना, क्योंकि अगर आपको न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डेंसिटी निकालनी है, तो किसी भी चीज की डेंसिटी निकालते हैं हमें न्यूक्लियर डेंसिटी निकालनी है, तो किसी भी चीज की डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी भी चीज का डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम करके, मास अपॉन वॉल्यूम करके। अब यहाँ पे डेंसिटी, दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ अ न्यूक्लियस अपॉन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, रेडियस किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर पे। तो न्यूक्लियर डेंसिटी भी तो मास नंबर पे डिपेंड करनी चाहिए, पर आपको क्वेश्चन आता है शोज दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, शो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो अभी ध्यान से सुनो मेरी बात। देखिए सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस दैट इज 4/3 πr³ होता है, पाई आर क्यूब होता है और r की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, दैट इज r नॉट a अपॉन 1/3। Should I put the value? ये numerical बहुत बार आता है, ये पिछली बार भी pre-boards में show करने के लिए आया था, 4/3 πr³। अब r क्या होगा मेरे पास, r not a by 3 into 3। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, volume कितना आएगा, 4/3 πr, r not के ऊपर cube ले लो, ले लिया क्यूब, ए के ऊपर पावर क्या है, 1/3, और हमने यहाँ 3 ले लिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या हो गया वॉल्यूम, 4/3 πr³, और यहाँ पे आ गया ए, ये आ गया वॉल्यूम। देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू आर नॉट ए बाय 3 होता है, अभी पढ़ा साइज ऑफ न्यूक्लियस में हमने। ठीक है, तो मेरे पास वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हम लोग न्यूक्लियस को स्फेरिकल मान रहे हैं, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। हमने r की वैल्यू डाली, r नॉट a 1/3 upon 3। अब r नॉट के ऊपर क्यूब आएगा, विच इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू, a के ऊपर क्या है, 1/3 into 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया वॉल्यूम,
फोर बाय थ्री पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए. आ गया, गॉट माई पॉइंट, अंडरस्टूड? एनी डाउट ओवर हियर? नहीं, ठीक है, ओके. बट अभी मेरे को मास निकालना है न्यूक्लियस का, तो कैसे निकालेंगे न्यूक्लियस का मास? हाउ डू वी फाइंड आउट द मास ऑफ अ न्यूक्लियस? हाँ बताओ. ए बी द मास नंबर, लेट्स सपोज हमारे पास ए क्या है, मास नंबर है. जैसे मतलब हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर 23 प्रोटॉन्स हैं. कैसे बना? 11 प्रोटॉन्स, ठीक है, जिसमें मेरे पास सोडियम का न्यूक्लियस है, सोडियम का न्यूक्लियस है, उसका कितना मास नंबर होता है? 23. व्हाट डू यू मीन बाय 23? 23 मीन दैट उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं. अब ये जो मास नंबर आया है, ठीक है, इसे मास ऑफ न्यूक्लियस से मल्टीप्लाई कर दे. आपके पास 5 टॉफीज हैं, एक टॉफी का वेट 2 केजी है, तो 5 टॉफीज का वेट कितना होगा? 2 × 5. आपके पास कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 23. 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन्स, 23. और उन न्यूट्रॉन्स का, उन न्यूक्लियॉन्स का